वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रस किचन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए प्रॉन की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी है, जो कि लौकी के साथ मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा, जीरा और हरी मिर्च। ये तीनों को मैं एक साथ पेस्ट कर लूँगी मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के। तो मैंने प्रॉन को पहले अच्छे से धो के साफ कर लिया है। और प्रॉन को कैसे साफ करना है मैंने मेरी पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक मैरिनेशन के लिए और हल्दी पाउडर। फिर उसको अच्छे से ऐसे मैरिनेट करके रखना है। ये देखिए, अदरक, जीरा और मिर्ची का पेस्ट रेडी है। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। अभी मैं इस पे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए। और इसको फिर अच्छे से ऐसे मिक्स करके फिर रखना है। तो इसका मसाला रेडी है। तो देखिए, पहले प्रॉन को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसके ऊपर डाला है राय का तेल। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। अभी मैं डाल रही हूँ प्रॉन। तो देखिए, प्रॉन फ्राई हो चुका है। मैं उसको निकाल लेती हूँ। ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल कम और तेल मसाले में बनता है। तो देखिए, मैं जो तेल बचा है उसके ऊपर ही ये खाना बनाऊंगी। तो अभी मैं तेल के ऊपर डाल रही हूँ पांच फोड़न। ये बंगाली में इसको पांच फोड़न बोलते हैं। इसमें मेथी, कलौंजी और जो कच्चा बोरीसोप रहता है वही रहता है और कुछ नहीं, ये डाल रही हूँ। और डाल रही हूँ एक रेड मिर्च और ये तेज पत्ता। अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जो मैं लौकी काट के रखी थी, ये लौकी के पीसेस। उसको ऐसे चलाना है। और अगर लौकी ताजा है तो बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें इतना पानी डालना नहीं पड़ता है, ये अच्छे से बॉइल्ड हो जाता है।
और मैंने एकदम ताज़ा लौकी लिया है। मैं अभी जो गांव गई थी वहां से लौकी के पत्ता और लौकी भी लाई थी। तो ये मेरे घर के आंगन की लौकी है, जो मेरे घर के आंगन पे झाड़ लगा हुआ था, मैंने जो पिछले रेसिपी में दिखाया था। ये लौकी बहुत ताज़ा है और ये टेस्टी भी बनेगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा नमक, नमक डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूंगी। तो देखिए इसमें से कितना पानी छोड़ चुका है। अब मैं उस पे डाल लूँ थोड़ा सा शक्कर, मतलब चीनी। और ये मसाले का पेस्ट जो मैंने रेडी किया था। इसमें ही हल्दी सब मैंने डाला था, तो इसलिए अलग से मैंने हल्दी और डाला नहीं है। अभी मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर ग्रीन चिलीज। ये ग्रीन चिली इतना तीखा नहीं है, इसलिए मैंने दो तीन डाला है, और मैंने पेस्ट करते समय भी थोड़ा डाला था। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार कितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से आप मिर्ची डालिए। अभी मैं डाल रही हूँ प्रॉन जो मैंने फ्राई करके रखा था। फिर से इसके थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। इसको गैस को ऐसे लो टू मीडियम फ्लेम में रख के ही बनाइए, और ऐसा थोड़ा सा ढक के बनाएंगे तो ये जल्दी बन जाएगा। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा इसमें मतलब ग्रेवी खाना है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इस पे डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, मैंने 2 टीस्पून लिया है, और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको घोल के रखा है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। ये डालने से और कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, ऐसा थिकनेस आ जाता है। आप इसमें राइस फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो फिर आपके घर में अगर मैदा या आटा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर हरा धनिया।
देखिए ये अभी बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ। लौकी तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता ही है, जिनको डायबिटीज़ शुगर है उनके लिए तो लौकी और अच्छा है। और इसमें ज़्यादा तेल मसाला इतना मैंने कुछ भी नहीं डाला, और शुगर भी ऑप्शनल है, आप शुगर नहीं डाला तो भी चलता है। इसमें आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है और राइस के साथ खाने में इसका मज़ा ही कुछ और है। रोटी के साथ भी ये खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। लौकी के साथ जो प्रॉन का मिश्रण है ना, ये बहुत टेस्टी है सच में। ये आप ऐसे सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगा है प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज इसके ऊपर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।